नेताओं के बारे में मेरी साफ पहले से ओपिनियन है और जिसको सुशील मोदी ने मैं जूही वाइटल इंडस्ट्री से जूही वाइटल इंडस्ट्री में पटना रामकृष्णा नगर से पप्पू यादव ने कितनी की राशि की मदद दी और क्यों दिया क्या 11,000 राशि की मैंने मदद की है और उन्हें मतलब सहयोग किया है ठीक है क्या मन में थे क्या सेवा करने की भावना थी मन में ये कि पप्पू यादव सर जैसे तो मैं नहीं कर सकती बट उनको मैंने सपोर्ट किया है कि आगे वो जनता के लिए सपोर्ट कुछ कर सके पप्पू यादव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे देश के नेता तो कुछ करते ही नहीं पप्पू यादव जी जैसे ही एक इंसान है जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर हमारे देश के जनता के लिए काम करते हैं सेवा करते हैं हमारे जनता के नहीं लगता कि देश के नेताओं को अगर उनके ऐसा होना चाहिए नहीं तो देश ही सुधर जाएगा पप्पू यादव सर जैसे ही होना चाहिए जैसे ही बिल्कुल मदद करना चाहिए क्या अपील करेंगे लोगों को मैं यही अपील करूंगी जो जिसकी जितनी मतलब बनती है वो सर को सपोर्ट करें क्योंकि सर के जैसे मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी नेता हो पाएंगे क्योंकि सर ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निस्वार्थ होकर जनता की सेवा करते हैं अभी जैसे वोटिंग टाइम आता है उस टाइम लीडर नेता लोग उस टाइम उत्सुकता दिखाते हैं बट जब वोटिंग टाइम जैसे ही खत्म हो जाती है उत्सुकता भी साथ ही समाप्त हो जाती है तो हमारी जनता को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उस कठिनाई को दूर भगा रहे हैं जी उस कठिनाई को दूर भगा रहे हैं।